ठीक है, हमने कहा था ना कुछ चीज़ें हैं जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को कंबाइन करके हैं। तो ऐसे तीन एक्सपेरिमेंट है ना, हम इनको पढ़ने वाले हैं। पहला है लॉयड्स मिरर, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के मिलके हैं टॉपिक्स है ना, लॉयड्स मिरर। इसमें हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर को यूज़ करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर हम एक प्लेन मिरर को यूज़ करेंगे। फिर ऐसे ही एक होता है हमारा ब्लिट्स स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें हम लेंस को यूज़ करेंगे, लेंस को दो पार्ट में तोड़ देंगे और कुछ कुछ करेंगे, देखेंगे अपन। लेंस को यूज़ करेंगे इस वाले के लिए हम, मतलब और लेंस को एक सोर्स और एक लेंस यूज़ करके हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, वाई डी एस ई वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक और होता है अपना फ्रेंजल्स बाई प्रिज्म, फ्रेंजल्स बाई प्रिज्म। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो थिन प्रिज्म्स को यूज़ करेंगे वाई डी एस ई के एक्सपेरिमेंट कराने के लिए। देखो जल्दी से ना, ये तीन एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ये जेई एडवांस के लिए हमारे। ठीक है, तो सबसे पहला देख लो लॉयड्स मिरर। देखो अगर इंटरफेरेंस चाहिए, इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लाइट को पढ़ रहे हैं, तो अगर इंटरफेरेंस चाहिए तो दो लाइट जब इंटरफेयर करेंगे तभी तो इंटरफेरेंस आएगा। और यहाँ पे दिक्कत ये थी कि हम दो अलग अलग सोर्स यूज़ नहीं कर सकते लाइट के केस में, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए तो एक ही सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक सोर्स से तुम्हें दो लाइट्स चाहिए इंटरफेयर करानी है, तो उसका तरीका तो एक तो हमने देखा भाई वाई डी एसी का अपैरेटस जो था। अब इसके कुछ और तरीके भी हैं, वो तरीके देखते हैं ना। एक मिरर को यूज़ करके भी हम ये काम कर सकते हैं, बहुत आसान है। लॉयड्स ने करा था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या करा, एक ही सोर्स ले सकते हैं भाई, अलाउड ही नहीं है दो सोर्स तो लेना। एक सोर्स ले लिया उन्होंने, एक मिरर रख दिया यहाँ पे स्क्रीन रख दी, और अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न आने लगी। बस इतना ही रखा, एक सोर्स लिया, एक मिरर रख दिया और स्क्रीन रख दी, इंटरफेरेंस पैटर्न आने लगी। अब ऐसा क्या हुआ भाई कि इंटरफेरेंस पैटर्न आने लगी, तो देखो इस सोर्स की एक इमेज बना रहा होगा ये, मान लो यहाँ से करा देते हैं एक लाइट ली, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही होगी, तो इसके नीचे ही आएगा, प्लेन मिरर है। मान लेते ये डिस्टेंस जो है सोर्स तुम्हारा एच हाइट पे था, मान लो सोर्स तुमने मिरर से एच हाइट पे रखा था, तो एच हाइट नीचे इसकी इमेज भी आएगी। ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारी इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट ये वर्चुअल इमेज, इसको एच डैश बोल देते हैं। तो बात है कि तुमने सोर्स तो एक ही रखा था पर उसकी इमेज अनादर सोर्स की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। चलो तो अब दो लाइट कैसे इंटरफेयर कर रही हैं, इस पॉइंट पे तो एक ही लाइट पहुंची है, अभी दूसरी लाइट कहां पर है, एक डायरेक्ट जा रही होगी ना, ये तो एक रिफ्लेक्ट होके आ रही है, एक लाइट डायरेक्ट भी तो जा रही होगी, हो गया ना, दो लाइट कर गई दो लाइट इंटरफेयर। और जैसे ही दो लाइट इंटरफेयर कर जाएंगी इंटरफेरेंस आने लगेगा। अब कुछ जगह पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, कुछ जगह पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे बताओ। अब इसके लिए कुछ पूरी नई थ्योरी करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा ऐसा कैलकुलेट करके डेलेक्स वगैरह निकालो, सिंपल सा है। यहाँ पे स्मॉल डी क्या है बताओ जल्दी से, 2h, कैपिटल डी तो ये गिवन होगा तुमको, ये वाला डिस्टेंस उन्होंने दिया होगा, देना पड़ेगा वरना नहीं कर सकते, सीधी सी बात। तो कैपिटल डी दे देंगे तुम्हें, कैपिटल डी तुम्हें पता चल गया। लैम्डा भाई दिया ही होगा, पता हो गया ना, सब तो आ गया। बीटा इक्वल टू क्या लगा देंगे, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, स्मॉल डी तुम निकाल लोगे, बाकी सब दिया होगा। कोई नई थ्योरी कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, आई बात समझ में, ठीक है। ठीक है, देखो बस यहाँ पे एक चीज़ है, होगा क्या कि तुम्हें जो इंटरफेरेंस की पैटर्न आ रही है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, वो पूरी फुल स्क्रीन पे नहीं आएगी, वो कुछ एक सर्टेन रीजन पे ही दिखेगी। देखो जैसे एक तो यहाँ पे एक्सट्रीम वाली लाइट्स कहाँ से जाएंगी, एक एक्सट्रीम वाली लाइट यहाँ से जा रही होगी ये, ठीक है। ये एक्चुअली में तुम्हें लग रहा है एस डैश आ रही है, असलियत में कैसे आ रही है, ये इससे निकली होगी, मैं किसी और कलर से बना देता हूँ, असलियत में ये कैसे आई है, यहाँ से निकली और यहाँ से ऐसे गई, ठीक है। और एक लाइट तुम्हारी यहाँ से डायरेक्ट आ रही होगी, हर एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस कराने के लिए दो ही चाहिए ना, सब इसी यही वो रीजियन है जहाँ पे तुम्हें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगी, इसकी इसके अलावा और कहीं नहीं दिखाई देगी, रीजन ऑफ कौन एक्सप्लेन करेगा, सब इसी जगह पे क्यों दिखाई देगी, यहाँ पे क्यों दिखाई नहीं दे सकती भाई, लाइट तो यहाँ पर भी जा रही है, यहाँ पर क्यों दिखाई दे सकती, लाइट तो ऐसे यहाँ पर भी जा रही है, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए दो लाइट चाहिए, इस पॉइंट पे सिर्फ डायरेक्टेड वाली लाइट है, डायरेक्ट आ रही है रे, यहाँ पर भी सिर्फ डायरेक्ट आ रही है रे, पर तुम्हें दो लाइट चाहिए ना इंटरफेरेंस के लिए। और हम जानते हैं यार मिरर एक तो एक्सट्रीम पॉइंट्स ये दोनों है,
ये वाला पॉइंट लाइट को यहां तक फेंक रहा है, ये वाला पॉइंट लाइट को यहां तक फेंक रहा है, मतलब रिफ्लेक्टेड वाली लाइट सिर्फ इतनी रीजन में जाएगी, बाकी कहीं नहीं जाएगी, तो सिर्फ इतनी जगह पे दिखाई देगी। बस यही है, लिख लो, बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ कुछ। नहीं, यहाँ पे इस वाली लाइट में पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये दोनों कोहेरेंट है, पर ये आउट ऑफ फेज चलेगा। एक इस वाले सोर्स में हमेशा एक पाई का फेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये लाइट देखो रेयरल टू डेंसर भी है ना, मिरर से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मिरर भी डेंसर मीडियम ही है। जब भी मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पाई का फेज डिफरेंस आता है, याद रखना। यहाँ पर भी क्या होगा, पाई का फेज डिफरेंस आएगा। रिफ्लेक्टेड लाइट में हमेशा एक पाई का फेज डिफरेंस होगा एक्स्ट्रा। एक तो पाथ के कारण है, वो तो अलग बात है, पाथ वाला तो अलग है ही, पाथ के साथ एक एक्स्ट्रा होगा जो रिफ्लेक्शन के कारण आया है, ये सब कंसिडर करना है। देखो, लॉयड्स मिरर इज एन अरेंजमेंट इन विच वी ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न यूजिंग ए मिरर एंड ए सोर्स, यूजिंग ए मिरर एंड ए सोर्स। देर इज ए एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई, देर इज एन एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन एस एंड एस डैश ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना, मेरे ख्याल से डायग्राम देख के। देर इज एन एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन एस एंड एस डैश ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण आया एक एक्स्ट्रा। हाउ एवर इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन द होल स्क्रीन, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन द रीजन ऑफ द स्क्रीन वेयर डायरेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफियर। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन द रीजन ऑफ द स्क्रीन वेयर डायरेक्टेड एंड इंसिडेंट रेज, वेयर डायरेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज, वेयर डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफियर। स्मॉल डी ऐसे निकालोगे, यहां पे डेल एक्स लिखते समय मैं लिखी देता हूं, तुम लोग गलती करोगे। पाथ डिफरेंस क्या है बताओ दो लाइट के बीच का, डी साइन थीटा। अब कौन सा स्मॉल डी क्या है, साइन थीटा क्या है, वो तुम्हें पता है ना, डी साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई टू, ये ध्यान रखना है। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या लिखोगे, डेल एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, तो सिर्फ डी साइन थीटा को, अभी तक हम सिर्फ डी साइन थीटा को एन लैम्डा से इक्वेट कर देते ना, बस उसके साथ ये ध्यान रखना है, d sin theta प्लस lambda by 2 इक्वल टू n lambda, ऐसे लिखोगे तुम इक्वेशंस। एक lambda by 2 वाला एक्स्ट्रा याद रखना है। चलो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करो, छोटा सा है बस क्वेश्चन। ये बता दो, ये स्क्रीन है तुम्हारी, ये सोर्स है तुम्हारा, और ये मैंने मिरर रख दिया, मैंने मिरर स्क्रीन को टच करते हुए रख दिया, तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा, या फिर कुछ और आएगा, क्या आएगा इस पॉइंट पे, बस ये बताओ मुझे। ये एक तरह से सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, क्योंकि एच डेस बिल्कुल यहां पे आ जाएगा, जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है वहां पर क्या आएगा, मैक्सिमा, मिनिमा, या फिर कुछ और। सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे तो भाई पाथ डिफरेंस तो जीरो होगा, देखा जाए तो ये लाइट भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये लाइट भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, हाँ, पर देखा जाए तो एक लाइट डायरेक्ट जा रही है और दूसरी हल्की सी जा तो बिल्कुल ऐसी रहेगी, दूसरी हल्की सी रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कारण एक और फेज डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस पॉइंट पे तुम्हें, जहाँ पे तुम एक्चुअली में मैक्सिमा ऑब्जर्व कर रहे थे ब्राइट फ्रिंज, वहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, डार्क। इस जगह पे फेज डिफरेंस पाई आ रहा है, पाथ के कारण कोई नहीं आया, पाथ डिफरेंस तो अभी भी जीरो है, फिर भी फेज डिफरेंस पाई आ रहा है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण एक एक्स्ट्रा लैम्डा बाई टू इंट्रोड्यूस हो गया है। क्लियर है, ठीक है, तो ब्लिट्स स्प्लिट और फ्रेंजल्स बाई प्रिज्म हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना।